हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमें आईपीएससी नॉमिनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं, तो हमें आईपीएससी नॉमिनक्लेचर ही करना है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जो कितना देखने में अच्छा लग रहा है और कितना बहुत लोगों को सबको बहुत हार्ड लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, ठीक है, इजी वे में कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको केमिस्ट्री के लेटेस्ट वीडियोज मिलेंगी, वो भी ट्रिक के साथ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यार सपोर्ट करो चैनल को। तो आइए इसका नॉमिनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले हम लोग वही अपना पुराना काम करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन छांटेंगे, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन रूल लगाएंगे, वही प्राइमरी कार्बन देखेंगे कितने प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि हमें जो लॉन्गेस्ट चेन छांटनी होती है ना, वो प्राइमरी कार्बन से ही छांटनी होती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन रूल आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा बुक्स में, लेकिन ये प्राइमरी कार्बन रूल खुद से एक ट्रिक है, ठीक है। तो आप लोग प्राइमरी कार्बन से ही लॉन्गेस्ट चेन छांटिए, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, मैं एक अलग चीज आपको बता रहा हूँ, प्राइमरी कार्बन रूल, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन देखिए, प्राइमरी कार्बन कौन कौन से हैं। पहला प्राइमरी कार्बन ये है, दूसरा प्राइमरी कार्बन ये है, तीसरा प्राइमरी कार्बन ये है, चौथा प्राइमरी कार्बन ये है, ठीक है। तो चार प्राइमरी कार्बन आपको नजर आ रहे होंगे, चार प्राइमरी कार्बन आपको नजर आ रहे हैं ना। तो उसके बाद देखिए, प्राइमरी कार्बन से ही हमें लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है। ये देखिए, शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, वाओ, 1 2 3 4 5 6 7, वाओ। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमें फंक्शनल ग्रुप है ना, वो हमें अपनी लॉन्गेस्ट चेन में ही मिलना चाहिए, वो प्रिंसिपल चेन से अलग नहीं होना चाहिए। चाहे एक बार के लिए हमारी प्रिंसिपल चेन, हमारी लॉन्गेस्ट चेन छोटी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप नहीं छोड़ना है, ठीक है। चेन छोटी हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी वाली, ठीक है दोस्तों। तो फंक्शनल ग्रुप हमें इन्वॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है हमें लॉन्गेस्ट चेन नजर आ ही रही होगी, आपको सामने नजर आ ही रही होगी लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप हमें इन्वॉल्व करना ही करना है, करना ही करना है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन यही लेनी पड़ेगी, चाहे चेन भले ही छोटी हो जाए एक बार के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हमें मिल गई। 6 कार्बन के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, हेक्स, ठीक है। एक बात और आपको बता दे रहा हूं इसी वीडियो में, उसके लिए अलग से बताऊंगा कि जब दो फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक ही फंक्शनल ग्रुप जब एक से ज्यादा बार आए, तो हम लोग जो एल्क लिखते हैं ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसमें एक ए जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे हेक्स है तो हेक्स में क्या जुड़ जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा जुड़ जाता है, मतलब ए जुड़ जाता है जब एक ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आए, कई बार आए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेन छांट लिया, अब सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ये देखिए, आपको नजर आ रहा है इतना बड़ा, वाओ, इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट, इतना बड़ा बड़ा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, 1 2 3, तीन कार्बन का क्या होता है, प्रोप, ये क्या है, एन। सबसे पहली बात, ये एल्किल के रूप में है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल या प्रोपाइल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन, 1 2, क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल, ठीक है। अब तो 6 कार्बन का हम लोग हेक्स ले लेते हैं। अब देखिए इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं, 3 पे क्या है, इथाइल, इसमें यह भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, इसका ये पी है और इसका ये ई है, तो ई आता है पहले कि पी आता है पहले, पहले क्या आता है, ई, तो ये भी ध्यान में रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी, ठीक है। तो आइए इसका नॉमिनक्लेचर भी हम लोग करते हैं धीरे धीरे। 3 पे हमें क्या मिला, इथाइल, 4 पे हमें क्या मिला, प्रोपाइल, प्रोपाइल को हम लोग पी आर भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसी से डिनोट करेंगे। 6 कार्बन मिली तो हेक्स, ए जुड़ गया था, हेक्सा। और देखिए दो फंक्शनल ग्रुप भी मिले थे हमें, 1 और 5 पे हमें क्या मिले थे, फंक्शनल ग्रुप भी मिले थे, तो 1 5 पे क्या हमें मिल गए, दो फंक्शनल ग्रुप, मतलब डाई इन, डबल बॉन्ड है ना, तो इन होता है। अब देखिए इसका आईपीएससी नॉमिनक्लेचर कर ही लेते हैं, अब तो आ ही गया होगा आपको, सबको समझ में आ गया होगा, यहां से शुरू कर लेते हैं, 3 इथाइल 3 इथाइल, 4 प्रोपाइल 4 प्रोपाइल, हेक्सा, अब यहां से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा ये जगह कम पड़ गई है, हेक्सा, 1 5 डाई इन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका आईपीएससी नॉमिनक्लेचर,
ठीक है, ये हो गया आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि आपको केमिस्ट्री की विथ ट्रिक अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों रोजाना, और केमिस्ट्री में आप टॉप करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।